आपके साथ सहाब हैदराबाद माता आप भी याद फरमाने का शुक्रिया। ताफी से जवाब देने की माता आपने पूछा क्या हम अपने सुनने के बाल काट सकते हैं, क्या इस्लाम में बड़े बाल रखना जायज है या नहीं। अब आपने ये नहीं पूछा कि बाल से मुराद क्या कहाँ के बाद इसकी अगर आप बर्बाद करवा दें तो सर के कारण या बदन के कारण तो हम उसका तफसीली जवाब देंगे। तो हमने जो प्रयास किया है हम आपको बता दें। जैसे आपने पूछा कि क्या हम अपने सीने के बाल काट सकते हैं, हाँ अगर ये बड़े हो जाए और आदमी को परेशान करे तो इसके काटने में कोई फर्क है। फिर आपने पूछा क्या इस्लाम में बड़े बाल जायज नहीं है, तो बड़े बालों से मुराद आपकी अगर मुराद सर के बाल तो आपके जहन में रहे ये मर्दों के इतने बाल रखना जायज कि कंधों के छूने के करीब रखे, इससे ज्यादा लंबे बाल रखना ना जाए, यानी कंधों तक अगर पहुंच जाए तो ये इतने बाल रखना जाए। अब इसकी चंद सूरतें बुलवा लेंगे। किसी सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम का ऐसे मौके पे देखा कि जब आपके बाल हैं जिस पर पोच सकते प्यास ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अजाम को बुला करके ताजी अजामत बनवाई हो इसलिए हमने इसको पोच। बाद रामी ने ऐसे मौके पे देखा हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल जो है काम की जगह पर थे यानी कुछ बढ़ गए। बाद रामी ने ऐसे मौके पे देखा हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल शामी खतर पे गिर रहे थे इसलिए उन्होंने वो बात बयान की। तो ये हदीस के मकूम को सामने रखते हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मर्दों पर लानत की जो औरतों की मुचाफत है और उन औरतों पर लानत की जो मर्दों की मुचाफत करी, तो इतने बड़े बाल रखना सर पे कि जैसे औरतों के बाल होते हैं ऐसा रखना है जो जायज नहीं है और जब कंधों के पे नजर जाओ फिर ये उसको कटवा लिया जाए। एक और हदीस में है जिसको अबू दाऊद ने इब्ने हंबलान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबी से मुतालिक फरमा के बहुत अच्छा शख्स है अगर उसके सर के बाल बड़े न होते और तनमन नीचा न पड़ता। जब ये खबर उन सहाबी को लगी तो उन्होंने क्या किया कि छुरी लेकर अपने बाल काट डाले और अपने बालों को कान तक कर लिया और तहबन को आधी इंडी तक नीचा कर दिया। मालूम हुआ कि औरतों की तरीके से सर के बाद अगर लंबे करने का ये हुजूर अलैहिस्सलाम काम करना पसंद है लिहाजा निष्प्रकोष या पानी की लौटक या शाम तक इससे ज्यादा बाल